नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से नया स्टॉक के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो आज जो स्टॉक आया है वो पांचों स्टॉक है, मतलब पांचों कंपनियां हैं, और इस पांचों कंपनी टोटली रिलायंस कंपनी के हैं और पांचों पेनी स्टॉक है। और इस स्टॉक में आप नहीं इन्वेस्ट करें तो अच्छा होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ तो पूरा वीडियो डिटेल्स में देखिए, तभी आपको पता चलेगा। और आप सभी जानते हैं रिलायंस का कंपनी है तो अच्छा ही होगा फ्यूचर में। तो फिर भी मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो पांचों स्टॉक है कितना खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, पूरा डिटेल्स जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद आपको इस स्टॉक में ख़रीदारी करना है तो आप ज़रूर खरीदिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक लेकर इस चैनल में हाजिर होता हूँ। तो मेरे चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज का पांचवा स्टॉक। तो पहला जो स्टॉक है वो देखिए यहाँ पे रिलायंस पावर लिमिटेड, मतलब आर पावर, ठीक है। तो इस स्टॉक में जो है टोटली देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर कंपनी है। तो इसमें आपको जो प्राइस दिख रहा है 13.50, मतलब 13.50। तो आज के डेट, मतलब आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 6 जुलाई में 2021 में, तो इस डेट में अब इसका प्राइस देखिए 13.50 है। और इसका जो चार्ट पैटर्न है अब देखिए, मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखा देखिए। वन मंथ में रिटर्न है 29%। तो देखिए वन मंथ में अच्छा रिटर्न मिलेगा, सिक्स मंथ में भी रिटर्न अच्छा मिलेगा, देखिए 269%। तो आप कहेंगे इतना अच्छा रिटर्न है तो फिर भी मैं ये बात की कह रहा हूँ ये कंपनी अच्छा नहीं है। तो उससे पहले पूरा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में जाइए। देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में जब आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा, जिस कंपनी लिस्टिंग हुआ था 200 के ऊपर, वो इस कंपनी का प्राइस अब चल रहा है कितना, 13 रुपीज़ में। तो आप चार्ट पैटर्न देख लीजिए कितना डाउन होकर पूरा फ्लैट मूवमेंट में चल रहा है। तो एक दिन तो ये स्टॉक 1 रुपये के अंदर चला गया था, मतलब यहाँ पर देखिए 1 रुपया 20 पैसे। तो मतलब उससे कोरोना के सिचुएशन से थोड़ा ग्रोथ हुआ है, डाउन से थोड़ा ग्रोथ हुआ है। तो फिर भी आप बाद में देख लेना, ये स्टॉक फिर में वही लेवल में जाने वाला है। तो आप डिटेल से यहाँ पे देख सकते हैं, फिर भी कुछ पैरामीटर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए उसका 52 वीक हाई देखिए 23 जून 2021 में 18 रुपीज़ हुआ था और लो था 2.40 रुपया। और इसका देखिए होल्डिंग कितना हो रहा है, परसेंटेज देखिए, होल्डिंग नहीं हो रहा है क्योंकि अपन वाला सर्किट में चल रहा है तो कोई भी होल्डिंग नहीं हो रहा है पे। और कंपनी इन्फॉर्मेशन भी देख लीजिए, कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपको माइनस में ही दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस माइनस में ही दिखा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, 5950 लाख का लॉस हुआ है। तो करीबन लॉस ही चल रहा है, कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया है, सिर्फ डिविडेंड 2015 में डिविडेंड दिया था 1 रुपये का, उसके बाद डिविडेंड ही नहीं है। और प्रोमोटर के पास देखिए 9% का शेयर है, मतलब प्रोमोटर यहाँ से भाग चुका है। और उसके साथ देखिए यहाँ पे 17.91% का गिरवी रखकर कंपनी ने माल उठाया। तो यही था आर पावर का डिटेल्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है देखिए आरकॉम इंडस्ट्रीज, मतलब आरकॉम लिमिटेड, मतलब रिलायंस कंपनी का कम्युनिकेशन का कंपनी। इसका भी देखिए 3.35 रुपये का स्टॉक है, मतलब 3.35 का प्राइस है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए तो आप देख ही सकते हैं, जो स्टॉक हाई किया था 727 का वो अब चल रहा है 3.35 का, मतलब देखा जाए आज के दिन कंपनी ने कितना लो में डाउन में चल रहा है। तो इसका भी डिटेल्स आप देख लीजिए, ये जो कंपनी है इसका हाई था 5.05 का और लो था 1.35 का। और इसका देखिए जो डिलीवरी वो जो हो रहा है वो देखिए 100% डिलीवरी, मतलब पूरा के पूरा यहाँ पे इंटर डे और होल्डिंग, मतलब डिलीवरी दोनों ही 100% खरीद रहा है। मतलब कंपनी में देखिए रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए फंस जाता है अपना पैसा लेकर और बाद में बोलता है स्टॉक मार्केट ख़राब है, क्योंकि उसका जानकारी नहीं होता है। और वो जो जितना कम पैसे में स्टॉक मिल रहा है, और सबसे ब्रांड को वो क्या देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मतलब रिलायंस का नाम यहाँ पे जुड़ चुका है, मतलब कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस किया करेगा और सबसे सस्ता में मिल रहा है तो इसी कंपनी को खरीद लूँ। तो इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन लेकर वो स्टॉक खरीद लेते हैं और बाद में उसको नुकसान, मतलब ज़्यादातर नुकसान ही होता है और कभी रिटर्न नहीं मिलता है। हाँ, कुछ मिराकल हो जाता भी है तो वो रेयर होता है, ठीक है।
और भी कुछ यहाँ पे देख लीजिए, कंपनी इन्फॉर्मेशन में कंपनी का लॉस में चल रहा है, कितना सारा लॉस चल रहा है आप देख ही सकते हैं, 1,27,200 लक्स का आपको लॉस में चल रहा है। और कंपनी का प्रोमोटर के पास ये देखिए 5.18% गिर भी है, ठीक है, मतलब सॉरी होल्डर प्रोमोटर के पास है होल्डिंग शेयर, और कोई भी कुछ भी गिरवी रखकर नहीं मान रहा है। तो जो थर्ड नंबर स्टॉक है वो देखिए यहाँ पे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का प्राइस है 20 रुपीज़, उसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना गया, दूर गया था 2000 प्लस का शेयर था, ठीक है, 2700 प्लस का शेयर था जनवरी 2008 में। अभी जो 2021 में लास्ट डेट में आज का जो प्राइस चल रहा है वो देखिए 20 रुपीज़ का, मतलब कंपनी कितना खराब परफॉर्मेंस में चल रहा है वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो लॉस में चल रहा है। यहाँ पे देखिए फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है रिलायंस का, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, और इसमें देखिए आपका जो 52 वीक हाई है वो 30 रुपीज़ का हाई था और लो था 7.10 का। और यहाँ पे देखिए टोटल जो डिलीवरी उठ रहा है 61% का डिलीवरी उठ रहा है डेली बेसिस, और यहाँ पे देखिए आपको एनुअल रिटर्न भी, यहाँ पे देखिए डिविडेंड भी दिया गया है 2008 में 11 रुपीज़ 10 रुपीज़, कैसे दिया है मुझे पता नहीं, क्योंकि कंपनी डेली कंटिन्यू लॉस में चल रहा है फिर भी कंपनी डिलीवरी दे मतलब डिविडेंड दे रहा है, अच्छा बात है। फिर भी मैं यही कहूँगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप पूरा डिटेल्स में चेक आउट कर लीजिएगा, उसका परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। और यहाँ पे देखिए 3.42% का गिरवी रखा है प्रोमोटर ने, प्रोमोटर के पास 1.51%, मतलब ज़्यादातर इस तरीके से स्टॉक में ज़्यादातर आप जब रिसर्च करेंगे देखेंगे पब्लिक के पास ही ज़्यादा स्टॉक रहेंगे, 89% 92% 99% तक आपको शेयर होल्डर मिल जाएगा पब्लिक के पास। तो उसके बाद जो स्टॉक है वो देखिए यहाँ पे रिलायंस नोवेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, यहाँ पे आपको देखिए इंजीनियरिंग लिमिटेड से स्टॉक है वो अभी 4.35 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहे तो देखिए उसका हाई था 106 का और अभी चल रहा है 4.35 का, तो मतलब कितना डाउन ट्रेंड है और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, तो आप देख ही सकते हैं इस कंपनी का बाद में आप इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में आप पूरा फंस सकते हैं, पूरा आपका फंड फंस सकता है। तो मैं यही कहूँगा इसका डिटेल्स भी चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, देखिए हाई था 6.9695 का 24 जून में, और 2020 में आपको 1.80 में आपका लो हुआ था। तो देखिए कोरोना के सिचुएशन में भी लो नहीं हुआ, उसके बाद लो हुआ, आप देख सकते हैं अक्टूबर 2020 में, तो आप देख ही सकते हैं कितना डाउन हुआ था कंपनी, तो अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद पोजीशन भी यहाँ पे होल्डिंग देख लीजिए, कुछ भी परसेंटेज होल्डिंग नहीं किया गया आज, और कंपनी का जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए यहाँ पे लॉस में, देखिए 53,903 लाख का लॉस हुआ है। उसके साथ कंपनी कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया है, उसके साथ प्रोमोटर डिटेल्स भी देख लीजिए, प्रोमोटर कोई भी नहीं है, यहाँ पे टोटली शेयर होल्डर पब्लिक के पास ही है, ठीक है, पब्लिक और आधा सेक्टर में है, तो प्रोमोटर से यहाँ से पूरा निकल चुका है, क्योंकि प्रोमोटर को पता चल गया इस कंपनी में रहने से अच्छा है मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और भी एक स्टॉक मैं दिखा देता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री का जो लास्ट स्टॉक है यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो रिलायंस होम फाइनेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RHFL जिसका NSE का लिस्ट मतलब नाम है, और इसका प्राइस है 5.55 रुपीज़, और इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए, मतलब उसका प्राइस था 107 रुपीज़, अभी चल रहा है फ्लैट मूवमेंट में कितना 6 रुपीज़ का। और कुछ लोग बता देंगे जो मैं 2 रुपये में ख़रीदा था अभी 6 रुपये चल रहा है, तो मेरा फंड तो 3 गुना हो गया, तो ये बात सही है। कोरोना के सिचुएशन के बाद आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे वो उसका फंड चार पाँच डबल भी हो गया होगा, तो वो बात नहीं है, कंपनी कॉन्स्टेंटली कितना परफॉर्मेंस दे रहा है वो आपको देखना होता है, ठीक है। और इसका डिटेल्स भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए 52 हाई है 6.65 का, वो भी 25 जून में किया था, और 1.40 रुपये का 13 अक्टूबर 2020 में लो किया था। और इसका भी देखिए डिलीवरी कुछ भी नहीं उठ रहा है, और उसके साथ आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखना है, कंपनी इन्फॉर्मेशन देखिए लॉस में 44,000 का लॉस चल रहा है, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में और भी ज़्यादा लॉस हुआ है, और कंपनी डिविडेंड दिया है 2018 में 1 रुपीज़ का, और यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 49.58%, फिर भी चलो इस कंपनी का प्रोमोटर के पास ज़्यादा शेयर है, ये बात थोड़ा सच्चा है, कोई भी कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए बाकी जो पेनी स्टॉक था मतलब रिलायंस का, उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी दिखा रहा है।
तो मैं वीडियो एंड करने से पहले मैं यही कहूँगा, ये जो पांचों स्टॉक मैं आपको सामने डिस्कस किया हूँ, पांचों स्टॉक सबसे ख़राब परफॉर्मेंस में चल रहा है। सिर्फ रिलायंस का ब्रांड है यहाँ पे, मतलब नाम है यहाँ पे, मगर कंपनी पूरा टोटली गिर चुका है। मतलब इसका उठने का चांसेस 98% कम है, 2% का चांस है, वो भी कुछ अच्छा न्यूज़ आते हैं तो तभी, मतलब फंडिंग मिलता है बाहर से तभी कंपनी और कुछ अलग स्टैंडर्ड कंपनी इसको हायर करते हैं तभी ये मूवमेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो कंपनी फ्लैट मूवमेंट में चलकर बाद में टोटली क्लोज हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप इस तरीके से स्टॉक से दूरी रहिए, और आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो आप सबसे कम फंड यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, 100-200 क्वान्टिटी उठाइए और छोड़ दीजिए, और जब स्टॉक के प्राइस धीरे धीरे से बढ़ेंगे तब आप फंड बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यही मैं बताने वाला था, और बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरा डिटेल सर्च करिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए। तो आई होप इस स्टॉक के पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया इस पांच स्टॉक के बारे में, तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करने से पहले डिटेल्स में देख लीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।